दोस्तों, रमते जोगी और बहते पानी का जैसे कोई ठिकाना नहीं होता, वैसे ही सांप का ना कोई वक्त होता है ना ठिकाना। ये कहीं पे भी कभी भी आ जा सकते हैं, क्योंकि सारी धरती उन्हीं की है, इन्हें कौन रोक सकता है भला। तो वैसे ही निकला इस घर में एक सांप और इस घर के कुएं में वो गिर चुका है। चलिए मेरे साथ देखते हैं सांप कौन सा और क्या रंग दिखाता है। याद रखिए दोस्तों, सांप है तो खतरा तो होगा ही, अब देखना है खतरा ज्यादा है या कम। वेलकम दोस्तों, इस घर के कुएं में एक सांप प्रवेश कर चुका है, और वो सांप दूसरा तीसरा कोई ना होके एक वाटर स्नेक है, मतलब चेकर्ड किलबैक, जिसे पानी बहुत ज़्यादा पसंद है। कुएं में गिरने की वजह से उसका भी जीना शायद दुश्वार हो चुका है। कब गिरा था भैया ये? परसों। दोस्तों आप देख सकते हैं, एक वाटर स्नेक है, पानी वाला चिकट किलबैक। इसे पानी से ज़्यादा कोई खतरा नहीं होता, लेकिन ज़्यादा दिन पानी में रहा तो ये मर भी सकता है, क्योंकि इसे खाने के लिए को तो कुछ मिलेगा नहीं। और ये परसों से गिर चुका है, और इसने शायद अपनी पूंछ भी खा ली है क्या? उस दिन पूंछ तो सही सलामत थी इसकी, है ना? अभी पूंछ खा लिया। दोस्तों देख सकते हैं कि अगर सांप को खाने कुछ नहीं मिला तो अपनी पूंछ भी खाना चालू कर देता है, और इसने शायद अपनी पूंछ भी खा लिया है। या तो इस कुएं में एक कछुआ भी है ना, तो कछुए ने तो नहीं खाया इसकी पूंछ। आप दोस्तों देख सकते हैं, ये सांप परसों से गिरा है, और वैसे मैं आया था, लेकिन ये पानी में बहुत देर तक, ज़्यादा देर तक डूब गया था, और रात का अंधेरा हो गया, तो इसे निकालना कुछ पॉसिबल नहीं हुआ, इसलिए आज सुबह सुबह मैं आ चुका हूँ। सीधा मत करो, आड़ा ही रखो, आएंगे तो पटक से भी आ सकता है, नहीं तो झटके भी झटके देखिए कितनी फुर्ती है इसमें, बहुत ही फुर्तीला होता है ये सांप। इस सांप की यही मुसीबत है, अगर ये कुएं में गिरा तो बड़ी मुश्किल से ही निकलता है। निकल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। पानी में चला गया आपने देखा, अभी थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। बाल्टी लूँगे ये प्रॉब्लम इस सांप की। दोस्तों लोग अपने खाने पीने के लिए घर में लाते हैं अनाज, उसी अनाज को खाने के लिए आता है चूहा, और चूहे को खाने के लिए आता है सांप। वैसे ये सांप तो चूहा कम ही खाता है, इस सांप का पसंदीदा भोजन है मेंढक, और मेंढक की तलाश में ये शायद ये घर में आया और इस कुएं में छलांग लगा दिया। तो चलिए इसे निकालते हैं। दोस्तों सांप कितना भी अच्छा कुशल तैराक क्यों ना हो, लेकिन पानी में कब तक रहेगा? प्रकृति ने इसको ऐसी खासियत दी है कि पानी में कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक भी सांस लेके पानी के अंदर छुपा रह सकता है, लेकिन सांस लेने के लिए इसे ऊपर आना ही पड़ता है। तो वैसे भी मैं इंतज़ार करूंगा यहाँ पे, क्योंकि इसको आज निकलना ज़रूरी है, क्योंकि ये परसों से गिरा है। सांप ने सांस लिया है और वो पानी के अंदर डूब चुका है, मतलब अंदर जा चुका है, लेकिन आएगा थोड़ी देर में। अरे आमीन, तू अंदर आ जाना बेटा। वो भी कुछ मालूम है क्या? डब्बा लो। हाँ बाबू, सरक जाओ तुम वहाँ से। दोस्तों देख सकते हैं आप, बाबू सरक जाओ वहाँ से। अबे आमीन सरक वहां से, आमीन भग जाओ वहां से। ए परवीन परवीन परवीन, अभी एक बार आ गया, उसको जाने नहीं देना। ए परवीन दरवाजा बंद कर, कुछ खाया ना उसने?
खाने के लिए क्या है वहाँ पे? पूछ खाया उसने, पूछ ना है। दोस्तों देख सकते हैं ये सांप परसों से इस कुएं में गिरा हुआ था। दोस्तों ये सांप परसों से इस कुएं में गिरा हुआ था और इसने, इसको शायद भूख लगी होगी तो इसने अपनी पूंछ भी खा लिया। आप देख सकते हैं ताज़ा ताज़ा घाव है, मतलब इसने भूख लगी तो सांप अपनी पूंछ भी खा सकते हैं, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। परसों भी मैं आया था लेकिन ये पानी में बहुत देर तक डुबकी लगा दिया था तो निकल नहीं रहा था, तो शाम का अंधेरा जो हो गया था। दोस्तों सारी दुनिया में चेकर्ड किलबैक इस नाम से जाने जाने वाला ये सांप अपने इंडिया में ढोर, ढोरिया, जलधोड़ा, दीवड़, पानदीवड़, बेरुड़ा इत्यादि नामों से जाना जाता है। वैसे तो ये सांप बिना जर का होता है लेकिन बिना जर का ये सांप जब किसी को काटता है तो उसे उसकी नानी याद दिला देता है, क्योंकि काटे हुए स्थान से ना केवल ढेर सारा खून निकलता है बल्कि काफ़ी देर तक जलन का एहसास भी होता है। अगर आपको कभी ये सांप काटे तो एक टीटी का इंजेक्शन अवश्य लीजिएगा। तो इसे कर देता हूँ मैं पैक। ये हो गया दोस्तों पैक। क्या नाम है? अमित। अमित अमित आओ, आ रहा डब्बे में, आ गया, आ रहा डब्बे में, पकड़ लिया। आजा, अरे आजा, अभी घबरा मत। ओ चार दिन चले ना। अरे आना, किसी मला चिकला होता। ओ हे लोग घर नव्हते, रात्री मी पाहिलं खिडकीतून। कुछ भी खा लिया उसने अपनी, कुछ खा लिया उसने। दोस्तों सांप को जब भूख लगती है और सांप को अगर कुछ खाने को नहीं मिलता तो अपनी पूंछ को भी वो खा लेता है, इसका ये आपके सामने एग्जांपल है। इसने अपनी पूंछ को भी खा लिया है क्योंकि परसों में जब आया था तो इसकी पूंछ बिल्कुल सही सलामत थी। आप देख सकते हैं इसकी पूंछ इसने खाई हुई है और अभी भी उसमें ताज़ा ताज़ा खून लगा हुआ है, मतलब भूख लगने के बाद सांप कुछ भी खा सकते हैं। नहीं है, होल है ऑलरेडी, ऑलरेडी है। अरे अमीन आओ ना इधर, आओ। अरे अमीन आजा, अमीन कुछ नहीं होता, ढक्कन लगाए। दोस्तों वैसे ये छोटा बच्चा तो जब मैं कुएं से सांप निकलना तो बड़ी गौर से देख रहा था लेकिन अभी सांप बाहर निकल गया तो ये डर रहा है। डरो मत, अभी बोतल में पैक हो गया है। बोतल में से नहीं निकलेगा अभी वो, और निकल भी जाऊंगा तो मैं हूँ यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।